नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे डोल IMM स्टार्टर का डायग्राम। जी हाँ दोस्तों, हमने काफी सारी YouTube पे वीडियो अपलोड की है, तो आज हम डायग्राम के बारे में आपको बताएंगे कि उसका जो कनेक्शन डायग्राम है, जो वायरिंग डायग्राम है, वो क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान पूर्वक लास्ट तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपको। और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, किस चीज़ की वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये 3 फेज का डोल IMM स्टार्टर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्टर के अंदर सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कॉन्टैक्टर से। ठीक है, तो स्टार्टर का जो कॉन्टैक्टर, उसमें 4 पत्तियां होती है। तो सबसे पहले मैं वो 4 पत्तियां यहां पे बना रहा हूं। फिर एक अगली वीडियो डालूंगा कि ऑटोमेटिक से इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, और किस प्रकार से ऑटोमेटिक कार्य करता है। ऑटोमेटिक का भी डायग्राम वगैरह मैं समझाऊंगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 3 पत्तियाँ मैंने यहाँ पे बना दी है, जो कि कॉन्टैक्टर की है। और कॉन्टैक्टर के अंदर फेज 1, फेज 2, फेज 3 का एक कार्य करती है, इनपुट से आउटपुट की तरफ। ठीक है, एक पत्ती और होती है जो कि रिले से कनेक्ट होती है, जो कि ऑन ऑफ का कार्य ये करती है। तो उसको मैं अलग बनाऊंगा, अलग कलर से बना देता हूं यहाँ पे, आपको समझने में बेहतर आसानी रहेगी आपको। तो यहाँ पे एक पत्ती मैंने यहाँ पे बना दी है। तो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ये 4 पत्तियां होती है, 3 तो फेस को इनपुट से आउट करती है, और एक जो है वो रिले से जुड़ी होती है, वो इसको स्टार्ट करने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, 4 पत्तियां हो गई हैं, तो वीडियो थोड़ी आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ी बड़ी बन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई पत्ती नंबर 1, कॉन्टैक्टर की पहली पत्ती, यह दूसरी पत्ती है, और यह तीसरी पत्ती है। ठीक है, इसे आप फेस 1 बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं, और एक पत्ती ये अलग हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके ये 3 पॉइंट होते हैं, हर पत्ती का एक एक पॉइंट होता है जो बाहर निकल जाता है, और इस पॉइंट को हम आउटर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, मोटर साइड का पॉइंट मैं लिख देता हूं आउट। ठीक है, ये 3 तार जो हैं 1 2 3, ये आउट के निकल जाते हैं, इधर से हम इनर डालेंगे, तो आउटर में कोई कनेक्शन नहीं होगा इन 3 पत्तियों में। ये तीनों तार सीधे मोटर के अंदर जाएंगे, इनर की साइड सारा इसका स्टार्ट करने का सारा बखेड़ा है इधर ही। ठीक है, तो यहां से देखिए, इस तरफ 1 था तो हम इधर भी 1 लिख देते हैं, ये हो गया 1, फेस 1, फेज 2। ठीक है, ठीक है, फेज 3, अब हमारे स्टार्टर के अंदर एक होती है क्वाइल, जो चुंबक का कार्य करती है, जो इन पत्तियों को, ये जो 4 पत्तियां हैं, चारों के चारों को चिपका देती है। तो क्वाइल मैं यहां पे बना देता हूं।
इसके पीछे की साइड में कॉइल बना देता हूं। बाकी आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको एक ला कर दूंगा, बना के दूंगा मैं आपको, जिसमें कनेक्शन करके बताऊंगा। लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ा सा अटपटा होता है देखने में, स्टार्टर जो होता है थ्री फेस का, तो उसमें कनेक्शन करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने सोचा कि डायग्राम की वीडियो डाल दी जाए। ये आपका कोइल हो गया, इसके अंदर दो तार होते हैं, इसके अंदर दो तार होते हैं, इसके तारों को उल्टा सीधा कैसे भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इस कॉइल का एक तार होता है जो पहला हमारा पत्ती होता है, पॉइंट वन फेस वन होता है, उसमें डायरेक्टली जुड़ता है, ठीक है। तो इस वाले में डायरेक्ट जुड़ता है, तो कॉइल के दोनों तार, कॉइल के अंदर जब करंट जाता है तभी चुंबक बनती है, और ये कॉइल इसके कॉन्टैक्टर के अंदर फिट होती है नीचे की तरफ, और जब इसमें चुंबक बनती है तो चारों पत्तियां ऊपर की तरफ चिपक जाती हैं। ये तीन पत्तियां इन करंट को आउट कर देती है, मोटर के अंदर करंट भेज देती है, और ये इसको इससे ही कनेक्टेड है। इसको आगे बताता हूँ। इसके बाद दोस्तों दो स्विच होते हैं, एक रेड स्विच है एक ग्रीन स्विच है, तो यहां पे मैं बना देता हूं। ये रेड स्विच हो गया, एक ग्रीन होता है। ठीक है, स्विच के अंदर दो दो तारे होती हैं, दो रेड के अंदर हैं, दो ग्रीन के अंदर हैं। ठीक है, इनका डायग्राम भी मैं आपको बता देता हूं किस तरह के ये होते हैं। बटन स्विच है, जो रेड स्विच होता है वो स्टॉप का कार्य करता है, उसका डायग्राम होता है इस तरह से। इस डायग्राम का मतलब भी मैं समझा देता हूं कि जो रेड स्विच होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो सटी होती हैं, चिपकी होती हैं, ठीक है, यानी कि ये दोनों जुड़ी होती हैं। जब हम इसको दबाते हैं तो पत्तियां इसकी अलग हो जाती हैं, तो तार ये अलग हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से है। ये स्टॉप का कार्य करता है। अब बात करते हैं ग्रीन बटन की। जो ग्रीन बटन है उसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसकी पत्ती जो होती है वो अलग होती है, दबाने पे भिड़ती है दोनों पत्ती, दबाने के बाद ये ऑन का कार्य करता है। इसकी पत्ती जुड़ी होती है, इसको हटाया जाता है दबाने पे, और इसकी पत्ती को जोड़ा जाता है दबाने पे, ठीक है। तो स्टॉप का है उल्टा कार्य करता है, ठीक है, तो इसका कार्य है स्टार्ट, स्टार्ट बटन है, स्टॉप बटन है। अब इसके कनेक्शन देख लीजिए आप,
जो ये P3 पिन है, ठीक है, तीन नंबर जो पत्ती है वहां की जो इनर साइड है, ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है, ठीक है। इनर साइड की तीसरी वाली जो पत्ती होती है उसका रेड तार, रेड बटन में एक तार जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, यहां पे चला जाता है यहां से, और जो रेड का फिर दूसरा जो तार है वो ग्रीन में चला जाता है यहां से, जो ये वाली पिन है दूसरी बची हुई पिन, रेड की ग्रीन की एक पिन से जुड़ी होती है अंदर वाली से। ठीक है, इस तरह से जुड़ी होती है। अब जो यहां पे रेड जो पिन है वो दोनों जुड़ गई है, ठीक है। अब हमारे पास एक पत्ती है जो कि इसको स्टार्ट का कार्य कराती है, ये वाली, ठीक है। तो ये पत्ती का भी एक तार यहां से जुड़ जाता है, बीच से जुड़ जाता है, इसमें डायरेक्ट जुड़ेगा, आप बीच से जोड़ सकते हैं, यहां से जोड़ सकते हैं, यहां से जोड़ सकते हैं, एक ही लाइन है। तो मैं यहां से कर देता हूं कनेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला तार है दोस्तों, ये इस पत्ती की दूसरी पिन में जाएगा, साथ में रिले में भी जाएगा। तो मैं यहां पे एक रिले बना देता हूं जिसको आप सेट कर सकते हैं एम्पियर के हिसाब से, लोड के हिसाब से, कुछ इस तरह का दिखता है। और यहां पे इसको सेट करने के लिए यहां पे एक दूसरा पॉइंट यहां पे होता है, एक पॉइंट यहां पे है और एक पॉइंट यहां पे है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसमें जुड़ता है, और साथ के साथ बची हुई जो पत्ती है हमारी उसमें भी जुड़ता है, यहां पे भी ये जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये पत्ती जो है इसका स्टार्टिंग का कार्य करती है। अब हमारी कॉइल की एक पिन बच गई है और रिले की एक पिन बच गई है, इसको भी हम पूरा कर देते हैं। ये जो बची हुई पिन है ये कॉइल के अंदर चली जाती है, कॉइल के अंदर चली जाती है। अब ये मोटर साइड हो गई है, ये मोटर साइड की तीन पिनें बच गई हैं, ये तारे जो होती हैं ये मोटर के अंदर चली जाती है। और ये तीन तारे, एक दो तीन, ठीक है, तीन तारे जो हैं
पॉइंट एक, पॉइंट दो, पॉइंट तीन, वन टू थ्री, ये कटआउट के अंदर लगेंगे सीधे फ्यूज के अंदर, इसमें इनर तार आपको देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा डोल आईएम स्टार्टर का डायग्राम पूरा होता है। अब इसको समझ लीजिए कैसे कार्य करता है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं डोल आईएम, ठीक है, थ्री फेस, थ्री फेस स्टार्टर का ऑयल वाला स्टार्टर ही होता है। अब इसको समझ लीजिए कैसे कार्य करता है। देखिए ये चार पत्तियां होती है कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है। मोटर जब चलेगी, जब इन तीन पत्तियों का करंट, यहां पे हमने करंट दिया हुआ है वन टू थ्री में, इनर साइड तीन फेस हमने डाले हुए हैं, ये इधर आएंगे, ये तार मोटर में होते हैं, ठीक है, तो ये इधर आएंगे तब जाके हमारा ये कार्य होगा। तो यहां का करंट यहां पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पत्तियां होती हैं, यहां का करंट यहां पे आना चाहिए। ये जो जो कनेक्शन होते हैं वो नीचे होते हैं, ये ऊपर की पत्तियां जो होती हैं ये अलग होती है, ठीक है। और ये यहां पे भिड़ना चाहिए दोनों साइड से, तब ये सर्किट पूरा होगा, इधर का इधर आएगा। तो इनका कार्य करती है ये कॉइल, जो जस्ट कॉन्ट्रैक्टर के नीचे बनी होती है, लगी होती है। इसके दो तार होते हैं, जब इसकी दोनों तारों में करंट जाती है, ठीक है, तब जाके ये स्टार्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट की पत्तियों को चिपकाती है, साथ में इस पत्ती को भी ये चिपकाती है जो इसी के कार्य में है। अब देखिए कॉइल में करंट कैसे जाएगा, तो चीज देखिए यहाँ पे कॉइल है, यहाँ पे तीन फेज डाले हुए हैं, एक फेज तो डायरेक्ट ही कॉइल के अंदर जा रहा है। अब कॉइल को स्टार्ट करने के लिए दूसरा तार की आवश्यकता है। अब दूसरा तार कॉइल का जो है वो यहाँ पे रिले के अंदर से होता हुआ, ये एक तार ही है यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ से होता हुआ यहाँ पे ग्रीन बटन के अंदर है, यहां तक है, तो ग्रीन बटन तक ये आया हुआ है दूसरा तार, ठीक है। अब हमको इसमें दूसरा एक फेस और चाहिए, तो यहां पे हमको एक फेस और चाहिए इस तार में, ये तार यहां पे आया हुआ है, यहां से यहां पे हमको चाहिए, ठीक है। तो हम दूसरा तार देते हैं यहां से फेस थ्री से। अब फेस थ्री से तार जो जुड़ा हुआ है रेड बटन के अंदर है, अब रेड बटन के अंदर से घूमता हुआ, मैंने बताया था ना कि ये चिपका रहता है, तो घूमता हुआ यहां तक आ रहा है, ठीक है। जो दूसरा तार यहां पे हमको देना है वो फेज थ्री का या फेज टू का जो भी है, फेज थ्री से हम देते हैं, फेज थ्री से यहां से रेड बटन से होता हुआ यहां पे आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों तारों को बिड़ाते हैं तो इसमें करंट चला जाता है, एक तो तार पहले ही जुड़ा हुआ है, दूसरा फेज थ्री का यहां से चला जाएगा, ठीक है, चला जाएगा। तो हम इस बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं, जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये सर्किट पूरा होता है, और एक बार बटन छोड़ते ही काम छोड़ देता है अपना बटन, तो एक बार यहां से करंट पूरा होगा, एक बार, एक सेकंड के लिए, जब तक हम बटन दबाएंगे, एक सेकंड के लिए जैसे ही करंट यहां पे इसमें कॉइल में गया, ये सारी चुंबक बनती है और सारी पत्तियां आपस में चिपक जाती हैं। तीन पत्ती तो चिपकती हैं, प्लस में चौथी पत्ती भी यहाँ पे ये चिपक जाती है। और ये पत्ती देखिए कहाँ से जुड़ी हुई है, यहाँ से जुड़ी हुई है फेस थ्री, यहाँ भी, यहाँ पे भी आया हुआ है फेस थ्री यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है, फेस थ्री। और जो क्वाइल का जो तार है वो इस पत्ती से रिले से होता हुआ यहाँ पे भी गया हुआ है। तो जब तो पहले जब हमने स्विच को नहीं दबाया था, जब तो ये पत्ती नीचे थी, स्विच दबाने पे सारी पत्तियां ऊपर चिपक जाती हैं और फिर छोड़ने पे स्विच का काम खत्म है। और ये जैसे ही ये पत्ती चिपकती है तो चिपकी ही रह जाती है, गिरती ही नहीं है, और ये सर्किट को पूरा करती है, ये सर्किट को पूरा करती है, क्योंकि यहां से ये तार जो है
वो रिले से होता हुआ यहाँ पत्ती की इस तार में आया हुआ है, और दूसरा तार डायरेक्टली फेज थ्री का, ये फेज थ्री का तार डायरेक्टली इस पत्ती से होता चिपकी रहती है, ठीक है, होता हुआ सर्किट को पूरा करता है। अब हमको मोटर बंद कैसे करनी है, मोटर बंद करने के लिए हमें जो ये सर्किट पूरा हो रहा है इस तार से, इस पत्ती से, इसको हमें कट करना होगा। तो हमारा पत्ती के अंदर जो करंट आ रहा है वो रेड बटन से होके आ रहा है फेज थ्री, जैसे हम रेड बटन को दबाते हैं तो पिने अलग हो जाती हैं रेड बटन की और पत्ती नीचे गिर जाती है। अब फिर से स्टार्ट करने के लिए हमको ग्रीन बटन एक सेकेंड के लिए दबाना होगा। तो इस तरह से ये स्टार्टर वर्क करता है। अब ऑटोमेटिक हमको लगाना है, तो ऑटोमेटिक के लिए हमें ये वाली जो तार है इसके अंदर हम ऑटोमेटिक लगाएंगे, इसको हम यहाँ से कट करके तब लगाएंगे। तो इसका एक अलग पार्ट हम फिर देंगे, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। ऑटोमेटिक 5 तार वाला ऑटोमेटिक या 7 तार वाला ऑटोमेटिक हम कैसे लगाते हैं उस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और प्रैक्टिकली वीडियो भी हम लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही आराम से समझाया है, अब भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।